नवाबों की तरह वर्ल्ड कप फाइनल में शान से पहुंची टीम इंडिया। अब कोई भी आ जाए नहीं बख्शा जाएगा। पहले सेमीफाइनल अब फाइनल में विराट की कहर के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। 19 नवंबर को तूफान आएगा। सेमीफाइनल की रेस से आगे जैसे ही फाइनल में टीम इंडिया ने रखा कदम, 1000% तय हो गया तीसरा वर्ल्ड कप। अकेले दम पर किंग कोहली टीम इंडिया को बनाएंगे तीसरी बार वर्ल्ड कप चैंपियन। तबाही देख कांप उठेंगे विरोधी। 2015-2019 के सेमीफाइनल में मिली हार के मिथक को तोड़ते हुए टीम इंडिया ने शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद वाली जीत हासिल करते हुए शान से फाइनल में एंट्री कर ली। टीम इंडिया और क्रिकेट के किंग विराट कोहली ने अकेले दम पर सेमीफाइनल में जो आग बरसाई, फाइनल खेलने वाली टीम दहशत में है। विराट के साथ अय्यर, शमी और पूरी टीम ने चैंपियन वाला खेल दिखाया। लेकिन विराट ने जो इतिहास रचा उसे देखकर पूरी दुनिया ने 51 तोपों की सलामी ठोकी है। विराट ने इस वर्ल्ड कप में कई बड़े रिकॉर्डों को तहस नहस कर डाला और बता दिया कि कोई भी आ जाए कोई बचकर निकल नहीं पाएगा और जो आएगा वो तोड़ दिया जाएगा और जमकर फोड़ा भी जाएगा। विराट कोहली ने कल के दिन इतिहास रचते हुए वनडे शतकों का अर्धशतक लगा दिया और सचिन तेंदुलकर यानी क्रिकेट के गोड के दो बड़े रिकॉर्ड को भी तहस नहस कर दिया। पहला 49 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ा, दूसरा किसी वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। कोहली ने इस वर्ल्ड कप में 10 मैचों की 10 पारियों में अब तक कुल 711 रन ठोक चुके हैं, जिनमें 3 शतक और 5 अर्धशतक शामिल है। विराट हर एक मुकाबले में अकेले दम पर मैच को जिताने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। करीब 30-40% रन वो हर एक मुकाबले में खुद ही बना रहे हैं। विराट की फॉर्म इतनी खतरनाक है कि टीम इंडिया को चैंपियन बनने से अब कोई रोक नहीं पाएगा। टीम इंडिया पहले विकेट के लिए शानदार पार्टनरशिप कर रही है, रोहित आक्रामक शुरुआत कर रहे हैं और दूसरे छोर से गिल सदी हुई पारी खेल रहे हैं। रोहित 10 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 80 या 100 के पार पहुंचा दे रहे हैं। उसके बाद काल बनकर विराट जैसे ही मैदान में आते हैं अपना पांव जमा लेते हैं और पूरी विरोधी टीम का पूरा सिस्टम हैंग कर देते हैं। विराट को आउट करने में विरोधी टीमों के पसीने छूट जाते हैं। विराट का वर्ल्ड कप की सभी टीमों के खिलाफ प्रदर्शन पहले से बेहतर रहा है। ऐसे में किसी भी टीम के खिलाफ विराट को खेलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। यही वजह रही है कि जिस भी टीम के खिलाफ विराट मैदान में उतरे उन सबकी जमकर बखिया उधेड़ डाली। विराट को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अपनी कप्तानी में वर्ल्ड कप न जीत पाने के टीस के साथ में वो विरोधी टीमों के छक्के छुड़ा रहे हों। रोहित शर्मा शतक और अर्धशतक की बिना कोई परवाह किए कुछ ही गेंद खेलने आते हैं और काम तमाम करके जाते हैं। दूसरे छोर से गिल और विराट कोहली मिलकर टीम इंडिया को शानदार और एक जीत वाले स्कोर तक ले जाते हैं। गिल के आउट होने के बाद फिर एक और तूफान आता है और वो तूफान है अय्यर का। अय्यर तो ऐसी आग बनकर बरसते हैं कि मैदान में उनकी तबाही देख विरोधी टीमों के गेंदबाज कांप उठते हैं। आखिर में केएल राहुल का प्रहार और शमी की आग उगलती गेंद के आगे पूरी टीम घुटने टेक देती है। टीम इंडिया की ताकत यह है कि वो किसी भी फील्ड में किसी भी टीम को नहीं बख्शती। टीम इंडिया इतनी खतरनाक फॉर्म में है कि भारत क्रिकेट के इतिहास में आज तक ऐसी फॉर्म और किसी भी टीम में नहीं दिखाई गई। ऐसे में टीम इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल जीतना तय है, क्योंकि फाइनल से ज्यादा सेमीफाइनल का जो रोड़ा टीम इंडिया के सामने बार बार बाधा बन रहा था अब उसे भी टीम इंडिया ने पार कर लिया और बस अब एक कदम दूर और उसके बाद एक और इतिहास अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में लिखा जाएगा और टीम इंडिया 12 साल बाद इतिहास लिखेगी। टीम इंडिया तीसरी बार वनडे वर्ल्ड कप की चैंपियन बनेगी। कुल मिलाकर टीम इंडिया की जीत में सबसे अहम और बड़ी भूमिका एक बार फिर से विराट कोहली के कंधों पर होगी, जो फाइनल में फिर से कई बड़े रिकॉर्ड धराशाही करेंगे। ऐसे में टीम इंडिया के सामने कोई भी आ जाए वो बचकर नहीं जा पाएगा। टीम इंडिया के फाइनल पहुंचने और तीसरी बार वनडे वर्ल्ड कप चैंपियन बनने की शानदार तैयारी पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दी। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस तरह के वीडियो देखने के लिए अभी फॉलो कीजिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स को।